Hey guys, आज मैं फिर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो पिछली वाली वीडियो से बहुत ज्यादा अलग और खास है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। मैंने बताया है कि आप कैसे अपने टाइपिंग साउंड यानी कीबोर्ड के साउंड को टर्न ऑफ कर सकते हैं जब आप टाइपिंग करते हैं। तो गाइस, मैंने लिंक आई बटन में दे दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं बट ये वीडियो देखने के बाद। और आज की वीडियो भी कीबोर्ड पे ही है गाइस। जैसे आप यहाँ पर टाइपिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, किसी के साथ भी आप बातचीत करते हैं, टाइपिंग करते करते अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बोरिंग फील करते हैं और फिर मन नहीं करता टाइप करने का, बात करने का, तो गाइस अब आप कहेंगे कि हम यहाँ पर वॉइस टाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हम बोलेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप होकर आ जाएगा, तो हमें टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट गाइस, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो गाइस, अब आप कहेंगे कि मेरा मन नहीं कर रहा टाइपिंग करने का ना बोलने का, तो आप यहाँ पर हैंडराइटिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी आप लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अगर आप सिंबल्स लिखते हैं तो सिंबल्स आ जाएगा या फिर कुछ भी। तो गाइस, अगर आप ऐसा यहाँ पर आपको ना टाइपिंग की जरूरत है ना ही आपको यहाँ पर वॉइस टाइपिंग की जरूरत है, यहाँ पर बस आपको हैंडराइटिंग की जरूरत है। और ये कैसे आप इसको अनेबल कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर स्पेस बार में देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का मैंने कर रखा है अनेबल। आपके में भी यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग कीबोर्ड आ जाते हैं। हिंदी वाला कीबोर्ड आ जाता है, इंग्लिश कीबोर्ड आ जाता है या इंग्लिश वाला आ जाता है, तो इस तरीके का कीबोर्ड आ जाता है। तो ये आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे हैंडराइटिंग वाला कीबोर्ड आप इनेबल कर सकते हैं। तो बस आपको इस वीडियो पे एंड तक बने रहना है गाइस। और मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे टेक्सचर चैनल गाइस। अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बस आपको इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना जो कि बिल्कुल फ्री, और नोटिफिकेशन बेल को भी आपको प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और गाइस, आपको चैनल पर टेक्स्ट रिलेटेड छोटी से बड़ी हर एक वीडियो और इन्फॉर्मेशन के अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखने जाने के लिए मिलेगा। तो अभी से आप यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सिंपली आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करोगे तो देखोगे लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जो भी लैंग्वेज, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, जो भी लैंग्वेज है आप यहाँ पर जाकर ऐड कर सकते हो उस कीबोर्ड को। देखेंगे मेरे तीन कीबोर्ड है, एक तो हिंदी है, एक इंग्लिश और एक इंग्लिश है गाइस। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर रखे हैं, तो मैंने जो है इंग्लिश वाले में मैंने हैंडराइटिंग का यूज़ कर रखा है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश वाले में, और जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे ना गाइस, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग तरह के कीबोर्ड मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखोगे थोड़े से अलग है, जैसे मैंने यहाँ पर आप टिक देख सकते हैं हैंडराइटिंग वाले में, इसको मैंने टिक कर रखा है। तो यहाँ पर आपके पास अनटिक आएगा गाइस, जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर अनटिक आएगा। यहाँ पर अनटिक इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने किसी और को सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैंने पीसी को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ अनटिक हो गया है। आपको किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसी एक कीबोर्ड को। यहाँ पर पीसी यानी कंप्यूटर वाला कीबोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा वाला कीबोर्ड है। अलग अलग तरीके के यहाँ पर कीबोर्ड्स है, पहले सिंबल आता है फिर ऐसे पी वाई से स्टार्ट हो जाता है, फिर ये ऐसा वाला है। तो आपको जो भी कीबोर्ड अच्छा लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हैंडराइटिंग की बात आ रही है तो हैंडराइटिंग वाला कीबोर्ड आपको चूज कर लेना है। और मैं इसको कर देती हूँ अनटिक। तो यहाँ पर हो गया है गाइस। तो हम चलते हैं अपने कीबोर्ड पे, कीबोर्ड पे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश वाले कीबोर्ड है स्पेस बार पे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ इंग्लिश वाले कीबोर्ड लेकर आना है, तो यहाँ पर आगे इंग्लिश वाला। अब गाइस यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप कर लेती हूँ, जैसे मैंने अपना नाम टाइप कर लिया है। और उसके बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर ना टाइपिंग की ना वॉइस टाइपिंग की कोई सी जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर लिखना है जैसे आपको इन्हें लिखते हैं वैसे ही। और यहाँ पर मैं अपना सरनेम लिख देती हूँ, बस हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करता है लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर किसी अगर आपको डिजिट लिख रहे हैं तो डिजिट भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर मुझे 9 लिखना है तो 9 आ गया है। तो यहाँ पर 8 लिखना है तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ब्रैकेट करना है तो यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पर जे वाली आ गई तो यहाँ पर ब्रैकेट आ गया। कोमा करना है तो कोमा का आ जाएगा। तो आपको जो भी सिंबल करना है यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर अब सीधा यहाँ पर जो भी टाइप करना है, लेकिन जो भी मैसेज करना है आप हैंडराइटिंग के थ्रू यहाँ पर बस करो और हो गया। तो गाइस ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर देकर जाना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मोटिवेशन दोनों मिलती है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, आपको बहुत कुछ सीखने जानकारी मिलेगा। मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ।